भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है। लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल है,
एनडीए में जितने भी दल हैं, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल है वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट।